दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन। चनकापुर मर्डर के मिले आरोपी यूपी में। दक्षिण एक्सप्रेस से गांजा, अडमान से गुटखा जब्त। सुपारी कारोबारी भी आयकर विभाग के रडार पर। अब खबरें विस्तार से। खापरखेड़ा के चनकापुर का अशोक पासवान हत्या प्रकरण। समीपस्थ चनकापुर में हुए अशोक उर्फ गधा हरिदयाल पासवान हत्या प्रकरण के आरोपी पुलिस की पकड़ में आ गए हैं। इनमें रोहित सूर्यवंशी, सूरज वरनकर, आशीष उर्फ कुल्लू वर्मा का समावेश है। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों उत्तर प्रदेश के बांधा ग्राम चले गए थे। मिली जानकारी से पता चला है कि अशोक काफी उग्र स्वभाव का था। उसने सोमवार की रात सूरज की मां के साथ गाली गलौज की। सूत्रों की माने तो अशोक की इस हरकत से रोहित, सूरज, आशीष सकते में थे। उन्हें आशंका थी कि अशोक उनकी हत्या कर सकता, इसीलिए उन्होंने अशोक को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। रेलवे सुरक्षा बल ने गुरुवार को दक्षिण एक्सप्रेस से 54,500 रुपए का गांजा जब्त। रेलवे सुरक्षा बल ने गुरुवार को दक्षिण एक्सप्रेस से 54,500 रुपए का गांजा और अंडमान एक्सप्रेस से 15,000 रुपए का गुटखा जब्त कर इसे रेलवे पुलिस के हवाले किया। नागपुर मिर्ची मसालों के निर्यातक प्रकाश वाधवानी के निवास और प्रतिष्ठानों पर आयकर विभाग की ओर से किए गए छापे के बाद अब वाधवानी से जुड़े व्यापारियों से पूछताछ का दौर जारी है। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए MNS हिंदी प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे MNS न्यूज लाइव को सब्सक्राइब